नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक कैप दिखाया था जिसको मैंने अपने पाइप के ऊपर रखा था ताकि कोई बच्चा उसमें ईंट पत्थर ना डाल दे। वो ये कैप है। ये लगता कैसे है, इसको इस साइड से खोलते हैं। इसको ऐसे खोल के और ऐसे बाहर निकाल लेते हैं। इसके अंदर से पानी आता है फिर बाहर चलता है, और इसको फिर ऐसे रख के ऐसे बंद कर देते हैं इसको। ये लॉक है, एक इस तरफ है और एक ये है। इससे लॉक हो जाता है कि कोई बच्चा इसको आसानी से खोल नहीं पाता और सेफ्टी रहती है। यहाँ जो पाइप ट्यूबवेल की पाइप में लगा हुआ है इसको सूंडवा भी बोलते हैं। ये वही पाइप है जो अपने खेत में ज़मीन फाड़ के निकला है। और ये वहाँ तक पहुँचा कैसे, ये यहाँ ज़मीन में कड़ा हुआ है इधर साइड में ये वाला, और यहाँ से सीधा उधर अंडरग्राउंड अपने खेत में निकल गया। और दूसरा जो पाइप है ये साइड में रखा हुआ है, अभी लगा नहीं हुआ, ये भी ये दूसरे खेत में है, इधर गड़ा हुआ है और आगे जाके उधर एक खेत है उसमें निकला हुआ है। अब इन पाइप्स को लगाने से फ़ायदा क्या हुआ, जो पानी पहले खाल के थ्रू चलता था, जैसे यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक ये खाल था, एक नाली भी बोलते थे, नाली थी खाल था, तो उससे क्या था पानी की वेस्टेज उसमें बहुत ज़्यादा थी, यहाँ वहाँ से पानी निकल गया और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता था। अब इन पाइप्स के लगाने से फ़ायदा क्या हुआ, जो पानी की वेस्टेज होती थी वो एकदम ख़त्म हो गई और सीधा पाइप यहाँ ट्यूबवेल की पाइप से जॉइंट हुआ और अंडरग्राउंड होते हुए सीधा अपने खेत में निकल गया, तो पानी की वेस्टेज ख़त्म और दूसरा टाइम भी सेव हुआ। अब जैसे ये दूसरी ट्यूबवेल है इसमें सूंडवा नहीं लगा हुआ है, तो इससे जो पानी निकलता है वो नाली के थ्रू आपके खेत तक पहुंचता है, और इसमें चांसेस हैं कि बीच में पानी आपका हवा निकल के वेस्ट हो जाए और आपका टाइम जो लगना था उससे ज़्यादा टाइम लगे। तो देखो जैसे ये पानी इसमें से जा रहा है, इसको खाल नाली भी बोलते हैं। अब इसमें जब ये फुल भर जाता है, अभी तो ट्यूबवेल बंद है, जब ट्यूबवेल चालू होगी तो ये ऊपर तक पानी आएगा, और पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इसके ऊपर से पानी निकल जाए, या कहीं चूहे ने चींटी ने कोई छेद कर रखा हो तो उसमें से पानी दूसरे के खेत में चला जाए। इससे उसका भी नुकसान है और आपका भी नुकसान है। आपका पानी वेस्ट हो रहा है, आपका टाइम ज़्यादा लग रहा है, और दूसरा उसकी फसल ख़राब हो रही है पड़ोसी की। तो सूंडवा लगाने से ये फ़ायदा होता है, उससे पानी वेस्ट नहीं होता, उससे अपना भी फ़ायदा होता है और जो पड़ोसी खेत वाला होता है उसका भी फ़ायदा होता है। पर सूंडवा लगाने से जहाँ बेनिफिट है वहाँ उसके लॉस भी हैं। जैसे अगर सूंडवा लग जाए तो आपकी ट्यूबवेल की जो होद्दी होती है, खेड़ होती है, उसमें पानी सेव नहीं होता। तो मान लो आपको पानी पीने की ज़रूरत पड़ी या आपको अपने जानवर को पानी पिलाना है, तो आपको फिर पानी अवेलेबल नहीं रहेगा। उसमें अगर ट्यूबवेल चल रही है तभी पानी आप पी सकते हो, तभी आप पानी निकाल सकते हो, अपने जानवरों को पिला सकते हो। बट अगर ट्यूबवेल बंद हो गई तो फिर आपके पास पानी नहीं रहेगा। ये सूंडवा लगाने से नुकसान भी है। तो सूंडवे के फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। कुछ दिन पहले अपने गेहूं की फसल में पानी दिया था, तो अभी देखने आया हूँ इसमें घास बहुत ज़्यादा हो गया है। जैसे गेहूं के साथ साथ आपको जो येलो कलर का पीले पीले रंग का दिख रहा है ना, ये घास है। तो अगर इस घास की दवाई नहीं करवाई गई तो गेहूं से ऊपर ये घास निकल जाएगा और गेहूं की फसल को ख़राब कर देगा, उसकी बढ़त नहीं हो पाएगी। तो इसलिए इसमें दवाई करवानी ज़रूरी है, और आज देखते हैं इसमें दवाई करवाते हैं जिससे कि ये जो घास है ये ख़त्म हो जाए और बस गेहूं ऊपर निकले और फसल ख़राब ना हो। तो बस थोड़ी देर में दवाई करवाऊँगा तो आपको दिखाऊँगा। लो भाई, अब अपने खेत में दवाई लगनी शुरू हो गई।
बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं।